ग्वालियर शहर के कुंवर सिंह चौराहे पर जन औषधि केंद्र की दुकान का उद्घाटन हुआ, जहां बड़ी बीमारियों की महंगी दवा आधे दाम पर मिलेगी, जिसमें लोगों को राहत मिलेगी। आपको बता दें, इस प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के दुकान का उद्घाटन बीजेपी के जिलाध्यक्ष जयप्रकाश साहू ने किया और साथ ही साथ बाइक और ई रिक्शा बैनर पोस्टर लगाकर लोगों को जागरूक किया गया। ये निकट कुंवर सिंह इंटर कॉलेज पे है जन औषधि केंद्र। यहाँ पे जेनरिक दवाइयाँ मिलती हैं, सस्ती दवाइयाँ होती हैं। प्रधानमंत्री जी की काफी लोकप्रिय परियोजना है ये। इससे कितने निजात मिल पाएंगे, और जैसे गरीब लोग हैं चाहे उनको बीमारियाँ होती हैं, महंगी महंगी दवाइयाँ मिलती है, तो कैसी निजात मिलेगी? हमारे यहाँ चूँकि जेनरिक दवाइयाँ इतनी सस्ती हैं कि ये गरीबों के लिए परियोजना बनी हुई है। भारत सरकार की एक ऐसी परियोजना है जो प्रॉपर जन औषधि केंद्र उन्हीं के लिए बनी है, जो सस्ती दवाइयाँ मार्केट में काफ़ी महंगी पड़ रही थी, सस्ती दवाइयाँ उन लोगों के लिए शुरू की गई है सरकार द्वारा। और जेनरिक दवाइयाँ हमारे यहाँ 1759 मेडिसिन मिलती हैं, 280 सर्जिकल प्रोडक्ट्स हमारे पास उपलब्ध पड़ी हुई है, और बाजार मूल्यों से हमारे पास काफ़ी 50-90% कम दामों पर उपलब्ध है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मार्केट में भ्रामक स्थितियाँ पहले से पड़ी हुई हैं कि जेनरिक दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। भारत सरकार की परियोजना ऐसी है कि ये NABL टेस्टेड WHO सर्टिफाइड कंपनियों से हमारे यहाँ उच्च गुणवत्ता की दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं। जो WHO कंपनियाँ क्या होती हैं, पहले सर्टिफाइड कंपनियों से हम लोग की टेंडर होती है, फिर भारत सरकार की जो हमारे यहाँ वेयरहाउस में आने के बाद से ये दवाइयाँ एक बार फिर से टेस्टेड होती हैं। टेस्टेड होने के बाद से हमारे जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध होती हैं, यानी कि हर तरीके से गुणवत्तापूर्ण होती है। इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको जेनरिक दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। तो लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, और ये जन औषधि केंद्र में किस तरह से उनको आप सुविधा देंगे? हमारे यहाँ 1759 जेनरिक प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, 280 सर्जिकल प्रोडक्ट हैं। जन औषधि केंद्र हमारा निकट कुंवर सिंह इंटर कॉलेज के पास है ये, और हम चाहेंगे कि बलिया की जनता अधिक से अधिक यहाँ पर आए और इसके अधिक से अधिक लाभ लें। जेनरिक दवाएं काफी अच्छी हैं। UP60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।